वो ये कि जो भूखला के साथ हो रहा है वो किसी सूरत हमें बर्दाश्त नहीं। इसके ऊपर हमने परसों लाहौर हाईकोर्ट की कैबिनेट है चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के दौरान हमने आपको बिल्कुल साफ और क्लियर बात बताऊंगी। आपकी बहन ने उनको कहा कि चीफ साहब ठीक है हर बात हम चल रहे हैं, हमने अपने कोर्ट में कोशिश भी की लेकिन एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और वो ये कि किस तरह इनकी जरूरत हुई कि इन्होंने कल हमारे मुकला साहिबान को लाहौर हाई कोर्ट से कि बाहर निकलने से रोका। आपको पता है कि मुशर्रफ बात था किसी जुलत किसी आवाज के लिए जुलत नहीं हुई कि वो मुकला को रोकता कि वो अपना आईनी और कानूनी हक राइट टू प्रोटेस्ट है वो उनको एक्सरसाइज करने से रोकते, तो इनकी जुलत कैसे थी कि इन्होंने हाईकोर्ट के बाहर हमारे मुकला साहिबान को 14 अगस्त को बाहर निकलने से रोका। फिर जिस तरह सिविल कोर्ट में हुआ मैं आपको बता दूं कि देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और खास तौर पे मैं बात करूंगी जो मेरी अपनी सियासत है क्योंकि अभी मेरे भाई ने बात की और मैं ये जरूरी समझती हूँ कि मैं इस चीज को क्लियर करूँ। मैंने इसी नारे पे इलेक्शन लड़ा था, मैं नजरियाती औरत हूँ और मैंने हमेशा अपने नजरियात मेरे नजदीक मेरे नजरियात से कीमती मेरे पास कोई चीज नहीं और मैंने हमेशा इसी नारे पे आपको पता है कि ना मैंने इलेक्शन लड़ा ना मैंने मेहनत की ना मैंने समाजन की ना मैंने पैसा लगाया, मेरा एक नारा था कि बाल कि हमारी बाल और हमारी बाल की आवाज को मैंने जिंदा करना है। आपको पता है कि बाग के अंदर कि मुकला के अंदर मुकला कहीं के बाद किस किस तरह के माफियाज आए। आपको पता है कि कल इतवार से मुकला का क्या काम था, मुकला की सियासत ये होती थी आप नाम पढ़ ले अपने वोट के ऊपर कि कितने कितने बड़े नाम थे यहाँ पे। उनका मकसद ये होता था कि उन्होंने मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती की आवाज उठानी है, उन्होंने बोर्ड उन्होंने इस बेलगाम स्टैब्लिशमेंट को इस बेलगाम जनरलों को लगाम मार ली है। लेकिन क्या हुआ क्या हुआ आपकी बात के अंदर मुकला सियासत के बाद वो लोग वो कभी आपको पता है कि वो कौन कौन से इंकलाबी थे कि जो कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते थे तो उठने के जज मान दिया तो मेरी मदद ले लिए तो पैसे लेके भेज दिया। लेकिन मेरे प्योर मुकला और प्रोफेशनल ग्रुप मैं बिल्कुल बात करूंगी कि अहमद खान साहब पाकिस्तान की जमहूरियत का फखर है, उन्होंने उन्होंने हमारी क्या की और हमने हमेशा की तरह अपनी बार की रवायात को जिंदा रखा। फिर बार के अंदर एक बात की गई, बार के अंदर क्या क्या सियासत की गई, बार हमेशा अपोजिशन के साथ खड़ी होती है, बार हमेशा अपोजिशन का किरदार अदा करती है। आपकी सियासी जमातें तमाम सियासी जमातें कंप्रोमाइज है, हमने सिर्फ बुकला ने अपोजिशन का किरदार अदा किया। आपको पता है कि फिर क्या हुआ कि बाहर के अंदर एक ऐसा माफिया पैदा हुआ कि जो हुक्मरानों के साथ बैठना शुरू हुआ, जिसने बाहर में नौकरियां बांटी और उन्होंने बाहर की सियासत को उन्होंने आपकी वैल्यूज को कंप्रोमाइज किया। मैं अपनी बार से अभी मेरे भाई ने शिकवा किया, मेरा आपसे शिकवा है, अब क्यों देते हैं इनको वोट जो आपको लूट के खा गए, जिन्होंने आपको बेचा, जिन्होंने बार का सौदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया, जिन्होंने आपके आईन का सौदा किया, जिन्होंने आपको क्या सासे बनाए। मैं अपने सासे आपके आगे रखती हूँ, मैं फरेश शक्ति की रही, मेरी 24 साल की मुकालत है, मैं आज भी मुकालत कर रही हूँ। आए है किसी में हिम्मत बताए मेरे ऊपर उंगली उठाए, ये हमारी सियासत है। और अभी मेरे भाई ने बात की, मैं आपको बता दूं पिछले 4-5 माह से जब से हम आए हैं
खुदा की कसम एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। आपने बात की इत्तेजाज हसन साहब हर चीज के ऊपर हमारा हाउस हुआ, मेरे खुद दो रेजोल्यूशन थी जो खवातीन के साथ हुआ, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने अभी ख्वाजा हारिस साहब के मामले पे मुझे किसी सियासी जमात का कोई बार नहीं। अगर मैंने माफिया के खिलाफ जमा जहद की है तो मैंने सियासी चाकों के खिलाफ भी की है। मुझे आप बताए कौन सी सियासी जमात थी जिसने मुझे कोई सपोर्ट किया इलेक्शन में, क्योंकि उनको लोग भी चाहिए, उनको आवाजें नहीं चाहिए बाहर में। लेकिन मेरे लिए सबसे मोहतर मेरे बुकला है, मेरा काला कोट वाला कोई भी भाई कोई भी बहन चाहे मेरे मजहबी मुखालफ है, अगर मैं ओहदेदार हूँ या नहीं भी हूँ मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अब मैं आखिर मैं आपको कहूंगी कि ये जिस तरह इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, ये जो 9 मार्च ये 9 मई वाला वाकया हमेशा मैंने मुजम्मा की, लेकर आए कोर कमांडर को हमारे सामने, मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछने हैं। लेकर आए आपके कोर कमांडर मेरे भाइयों के घरों को तोड़ा गया, मेरे भाई मुदई बन के सामने खड़े हैं, आप भी ले आए हम भी उनसे पूछे, अगर जुलम हुआ तो उनके साथ होंगे, लेकिन पूछने तो गए ना उनसे कुछ, वो है किधर। और आप मैंने पहले भी हाउस आपको याद है लाहौर हाईकोर्ट बार से जुलूस निकला, आपकी बहन ने रिक्वेस्ट की, हमने अपने सदर साहब से कहा, उन्होंने हमारी क्यादत की, हम बाहर निकले। और मैं आज आपको कहती हूँ कि मैं अभी जाऊंगी बाहर, मैं पहले जाऊंगी बाहर, हमारी कुर्बानियां है, हमारा खून है इस मुल्क के अंदर, तो आज हम निकलेंगे, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि अभी देखिए एक जज के खिलाफ रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, तो तड़प के पाकिस्तान बार कौंसिल ने बयान दिया है कि हम नहीं जजों के खिलाफ। अरे क्यों, तुम तो वोट हवाले लेते हो, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी आवाजें किधर है। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे भाई इधर से गए उनके दौर में सबसे ज्यादा सुल वकला के खिलाफ हुआ। मैं मुसलमान करती हूँ और पाकिस्तान के वकला जिंदाबाद।